महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जुड़े मनरेगा कर्मियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर अपनी आवाज बुलंद। छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से जुड़े कर्मियों ने छत्तीसगढ़ की सरकार से किए गए वादे को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्गा के मानस भवन में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चौथे बजट से मनरेगा कर्मी आस लगाए बैठे थे, परंतु बजट में मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण उन्होंने इस पर आक्रोश जताया। साथ ही मनरेगा कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किए जाने को लेकर अधिकारी कर्मचारी व ग्राम रोजगार सहायता सहित सभी आज से काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने बैठ गए। इस संबंध में न्यूज टीम को संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक्चुअली क्या है, हम लोग कई सालों से नियमितीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके पूर्व में भी शासन से के को हमने दबाव डाला था, हड़ताल के करके 23 दिन का हड़ताल किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय थे तत्कालीन, उन्होंने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद जो हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय हैं और जो बड़े जो वरिष्ठ नेतागण थे वो हमारे मंच पर आकर कहे थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम तत्काल हम नियमितीकरण का काम करेंगे, परंतु उन्होंने किसी प्रकार से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो उनके द्वारा सिर्फ एक दल गठित करके उन्होंने सिर्फ औपचारिकता अपनाते हुए सिर्फ दिन को साल में बदल दिए हैं और पिछले 3 साल से अभी तक हमारे नियमितीकरण का एक भी इंच का काम नहीं हो पाया है। और हम मनरेगा कर्मचारी हैं और प्रांतीय दल के आह्वान पर हम आज धरना, आज से हमारी शुरुआत हो रही है अनिश्चितकालीन। और चूंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में नरवा गरवा गुरवा बाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनरेगा के ही कर्मचारी कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी कर्मचारियों का कोई हाथ नहीं है। चाहे वो गोबर को लेके हो, चाहे खाद को लेके हो, चाहे पैरा कलेक्शन हो, चाहे गौठान निर्माण हो, चाहे महिलाओं का समूह के लिए हो, चाहे मुर्गी पालन बकरी पालन, हर काम जो है वो मनरेगा के ही कर्मचारी कर रहे हैं, जो कि उनके मूल काम से अलग हटकर है। मनरेगा का जो कार्य नहीं है वो भी हम उसको भी हमसे कराया जा रहा है और हम बिना किसी सवाल के हम कर भी रहे हैं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। परंतु जो हमारी मांग है, जो पिछले 3 साल से पेंडिंग है कि नियमितीकरण किया जाएगा और सिर्फ संस्था बनाकर, मतलब एक टीम बनाकर सिर्फ औपचारिकता अपना दिया गया है, इसके अलावा हमारे साथ कोई किसी प्रकार का आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि हमारी दो प्रमुख मांगें हैं, पहला है कि चुनावी जन घोषणा को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जावे और दूसरी यह है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण कर समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा अधिनियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जावे। अभी तो पूरा 28 जिला में पूरा नरेगा स्टाफ हड़ताल में है और इससे सभी जगह मस्टर और जीरो है, लेबर काम पे नहीं जा रहे हैं, तो आक्रोश है उनके ऊपर कि भाई काम नहीं मिलेगा तो जनता तो परेशान होगा। और लगातार अगर इसी तरह से 15 दिन अगर हड़ताल चल जाता है तो पूरा माहौल ऐसा हो जाएगा कि लेबर पूरा शासन के ऊपर आक्रोश में आ जाएगा और हमको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शासन के हमारे बात को मानना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हमारे वजह से पूरा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी शासन के हिसाब से चल रहा है, पूरा मजदूर जो हैं हमारे ऊपर टीका है, जितना ग्राम पंचायत में मजदूर है हमारे ऊपर आश्रित है, एक एक पंचायत में कम से कम 600-500 लेबर हैं और सभी को काम दिलाने में अग्रणी है या रोजगार सहायक, और शासन के अन्य विभाग में भी काम आते हैं, उनको भी रोजगार सहायक देख रहे हैं और इन कर्मचारी देखते हैं। तो अभी तो शासन 2-4 दिन के अगर हड़ताल इसी तरह चलता रहेगा तो उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है और धरातल से जो काम करा रहा है वो परेशानी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है परेशानी पीड़ा, और लगातार 15 से 16 साल हो गए हम लोग अपने पीड़ा झेल रहे हैं। आज के दिन में मान दे कि उनमें मात्र 5,000-6,000 दिया जा रहा है, अब आज लेबर का पेमेंट 204 रुपये हो गया और हम लेबर के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमको एक लेबर बना के शोषण कर रहे हैं शासन और मनमानी काम करा रहे हैं, जैसा चाहिए उनको केवल हाँ कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होगा, शासन को समझना पड़ेगा हमारा पीड़ा क्या है, इन लोगों का पीड़ा, और लगातार हम लोग सुविधा पर काम कर रहे हैं, मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि 14 साल 15 साल 3 साल के बाद सबको परमानेंट कर देना चाहिए, शासन का एक रूल है
तीन महीना अगर काम करता है, 90 दिन काम करता है, उसको शासन परमानेंट करता है, लेकिन हम तो 15 साल 16 साल से काम कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।